मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जिसमें से एक का नाम ल्यूक और दूसरे का नाम रॉजर होता है। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ल्यूक और रॉजर यहाँ अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने की बात करते हैं, यानी कि ये दोनों अभी तक किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे। इसके बाद हम ल्यूक को अकेले ही लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करते हुए देखते हैं कि तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जिसमें से एक का नाम लिली और दूसरे का नाम सारा होता है। ये दोनों ल्यूक से बात करके इसे सिड्यूस करने लगती है। लिली ल्यूक को अपना कमरा नंबर बताती है और ये अपना कोई सामान यहाँ पर रख कर यहाँ से चली जाती है। ल्यूक भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए ये वो सामान लेकर लिली के कमरे तक आ जाता है। लिली का कमरा लॉक नहीं था जिसकी वजह से ल्यूक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। इस कमरे का तापमान काफी ज्यादा ठंडा था। ल्यूक उस सामान को टेबल पर रख कर लिली के कपड़ों को स्मेल करने लगता है, लेकिन तभी ल्यूक पैरों की आवाज सुनता है, इसलिए ये जल्दी से यहीं पर छुप जाता है। कमरे के अंदर सारा और लिली आती है और ये विंडो ओपन करती है। उसके बाद लिली और सारा एक साथ अपने कपड़े निकालती है। ल्यूक छुप कर ये सब देख रहा था। ल्यूक देखता है कि लिली और सारा के शरीर से कुछ टेंटिकल्स निकल रहे हैं जिस पर सारा किसी चीज से स्प्रे करती है। उस स्प्रे से लिली को काफी रिलैक्स फील होता है और ये काफी ज्यादा सैटिस्फाई भी होती है। ल्यूक ये सारी चीजें देख रहा था और इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद लिली और सारा इस कमरे से बाहर चली जाती है। ल्यूक अलमारी से बाहर आता है। ल्यूक उस स्प्रे को देखता है तो इसे पता चलता है कि ये तो लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। ये लिक्विड इंसान की बॉडी जमा सकता है, लेकिन इसके स्प्रे से लिली के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। ल्यूक को यहाँ समझ आ जाता है कि लिली और सारा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ल्यूक जल्दी से रॉजर से मिलता है और ये उसे सब कुछ बताता है, लेकिन रॉजर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगली सीन में ल्यूक अपने दो और फ्रेंड गिब्बी और एलेक्स से मिलता है। ल्यूक इन्हें भी लिली के उस टेंटिकल्स के बारे में बताता है, लेकिन ये लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और ये ल्यूक का ही मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ये सभी कॉलेज की एक पार्टी में आते हैं जहाँ लिली और सारा भी होती है। यहाँ पर रॉजर सारा को अपना फ्रेंड बना लेता है और लिली ल्यूक के पास आती है। लिली ल्यूक से डांस के लिए पूछती है, जिसके बाद ना चाहकर भी ल्यूक को लिली के साथ डांस करना पड़ता है। ल्यूक और लिली यहाँ पर बातें करते हैं। लिली फिर से ल्यूक को सिड्यूस करने लगती है और ये इसे किस भी करती है। तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन बॉबी हम सभी के साथ है, जो कि अपनी नई आइस क्वीन को अनाउंस करने वाले हैं। बॉबी स्टेज पर आता है और ये लिली को कॉलेज की नई आइस क्वीन बनाने का अनाउंस करता है। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और ये स्टेज पर आकर बॉबी को किस करती है। उसके बाद लिली बॉबी के साथ डांस करने लगती है। ये सब देखकर ल्यूक को थोड़ी सी जलन महसूस होती है, जिसके बाद ये बॉबी से लड़ने लगता है। लेकिन ल्यूक एक सीधा साधा लड़का होता है तो ये बेचारा यहाँ बॉबी से मार खा जाता है, क्योंकि बॉबी एक बॉडी बिल्डर होता है। मार खाने के बाद ल्यूक यहाँ से चला जाता है। एलेक्स ल्यूक के पीछे आकर इसे शांत कराती है। उधर बॉबी और लिली क्लब से बाहर एक सुनसान जंगल में आती है। यहाँ पर ये दोनों किस करने लगते हैं। बॉबी लिली के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी लिली के शरीर से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो बॉबी के शरीर में जाकर उसकी बॉडी को जमा देते हैं, जिसकी वजह से बॉबी यहाँ मर जाता है। दूसरे सीन में हम रॉजर को देखते हैं जो वॉशरूम में था, कि तभी सारा यहाँ पर आती है। सारा रॉजर को किस करने लगती है। सारा रॉजर के साथ इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े उतारती है, लेकिन रॉजर सारा को रोकता है। रॉजर कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन मैं अभी भी वर्जिन हूँ, इसलिए मैं पहली बार किसी लड़की से वॉशरूम में इंटीमेट होना नहीं चाहूँगा। लेकिन सारा रॉजर से कहती है कि ये तो बस एक रात की बात है और ये इससे शादी थोड़ी ही करेगी। सारा रॉजर के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम ल्यूक और रॉजर को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अमेंडा इनसे मिलने आती है। ये ऑफिसर ल्यूक के बचपन की दोस्त थी। ये ऑफिसर ल्यूक को बताती है कि कल रात बॉबी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी इन्हें जंगल के बीच में मिली है। अमेंडा ल्यूक को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। ऑफिसर ल्यूक से कहती है कि कल रात तुम दोनों के बीच में फाइट हुई थी, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा है कि तुमने ही बॉबी को मारा है। उधर बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि बॉबी की मौत किसी ठंडे लिक्विड को ज्यादा पीने से हुई है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ल्यूक ने बॉबी को नहीं मारा है। जिसके बाद पुलिस ल्यूक को छोड़ देती है। ल्यूक यहाँ ऑफिसर को लिली के टेंटिकल्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसके बाद ल्यूक एलेक्स के पास आता है और ये इसे बताने की कोशिश करता है कि लिली इंसान नहीं है। ल्यूक एलेक्स से मदद मांगता है, जिसके बाद एलेक्स ल्यूक के कमरे में कुछ हिडन कैमरा को लगा देती है। उधर हम गुब्बी और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा को देखते हैं। ये दोनों सुनसान जगह पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी
नताशा के शरीर से वैसे ही टेंटिकल्स निकलते हैं जैसे लिली के शरीर से निकलते हैं। नताशा के शरीर का एक टेंटिकल गिब्बी के मुंह में चला जाता है जिसकी वजह से गिब्बी बर्फ में जमकर यहाँ मर जाता है। उधर हम यू को देखते हैं जो लिली की सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए ये लिली को इम्प्रेस करके उसे कमरे में लेकर आता है। लिली ल्यूक के साथ किस कर रही थी, ये सब एलेक्स कैमरा में देख रही थी। लिली ल्यूक के साथ इंटीमेट होने ही वाली थी कि तभी लिली कैमरा को देख लेती है। लिली अपनी सुपर पावर से उस कैमरा को ऑफ कर देती है। लिली को पता चल जाता है कि ल्यूक अब इसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए लिली अपने टेंटिकल से ल्यूक को मारने की कोशिश करती है। लेकिन लिली के टेंटिकल से एक मोमबत्ती बेड पर गिर जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। आग देखकर लिली डर जाती है और ये अपने डरावने एलियन रूप में आकर कमरे से भाग जाती है। यहाँ ल्यूक को समझ आ जाता है कि लिली आग से बहुत डरती है और ये सिर्फ ठंडी जगह पर रह सकती है। ल्यूक जब अपनी रिकॉर्डिंग देखता है तब वो रिकॉर्डिंग डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से इसे लिली के खिलाफ यहाँ कोई भी सबूत नहीं। उधर रॉजर सारा से मिलता है और ये उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है। रॉजर पहली बार सारा के साथ इंटीमेट होने जा रहा था। बातों ही बातों में रॉजर सारा को बताता है कि उसका दोस्त ल्यू तुम्हें और लिली को एलियन समझता है और वो कहता है कि लिली के शरीर से टेंटिकल्स निकलते हैं। रॉजर की बात सुनकर सारा सैड होकर कहती है कि हाँ ये सच है और हम दोनों ही एक एलियन है। हम इस धरती पर 2 साल पहले आए थे। सारा कहती है कि हमारे प्लैनेट पर एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर सभी मेल एलियन मारे गए। हमारे प्लेनेट पर सिर्फ मेल ही प्रेग्नेंट होते थे और वही बच्चों को जन्म देते थे। सारा सैड होकर रॉजर से ये भी कहती है कि हम बच्चा पैदा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम लोग किसी मेल को प्रेग्नेंट करने के लिए हम उसके मुंह में अपने टेंटिकल्स को डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारे स्पर्म्स उनकी बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन धरती के इंसान हमारे इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो तुरंत ही बर्फ में जमकर मर जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये एलियंस धरती पर अपनी प्रजाति को विकसित करने आए थे। सारा रॉजर से कहती है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। सारा की बात सुनकर रॉजर कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी इंसानों की तरह बच्चा पैदा करने का ट्राई किया है? हो सकता है कि तुम हमारे तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगे हैं। इंटीमेट होने के बाद रॉजर को कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर ल्यूक आ जाता है जिसके पास फायर गन होती है। उधर रॉजर जमीन पर गिर जाता है जिसके मुंह से एक स्पाइडर निकलता है। ये देखकर ल्यूक समझ जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। ल्यूक गुस्से से सारा के ऊपर फायर गन चलाता है जिसकी वजह से सारा भी अपने डरावने एलियन रूप में आ जाती है और ये यहाँ से भाग जाती है। रॉजर अभी भी जिंदा था तो ल्यूक इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते रॉजर की मौत हो जाती है। रॉजर की मौत से ल्यूक काफी ज्यादा सैड होता है। अमेंडा ल्यूक के पास आती है और ल्यूक अमेंडा को बताता है कि स्कूल में जो भी लोग मारे गए हैं उन सभी को लिली और सारा ने मारा है। ल्यूक अमेंडा से मदद के लिए कहता है। इस बार ल्यूक पूरी तैयारी करता है। ल्यूक यहाँ फायर गन और गर्म पानी लेकर सारा, लिली और नताशा के घर पर आता है। ल्यूक गर्म पानी नताशा के ऊपर डालता है जिसकी वजह से नताशा अपने एलियन रूप में आ जाती है। जिसके बाद ल्यूक इसे फायर गन से जलाकर इसे मार देता है। इसके बाद लिली ल्यूक से माफी मांगती है तो ल्यूक इस पर भी फायर फ्लेम करता है जिसके बाद लिली अपने एलियन रूप में आ जाती है। अमेंडा लिली को शूट करके इसे मार देती है। सारा यहाँ से भागती है लेकिन अमेंडा और ल्यूक इसका पीछा करते हैं। ल्यूक को पता चलता है कि इसकी फायर फ्लेम खत्म हो चुकी है और ये बात सारा को भी पता चल जाती है। सारा ल्यूक पर हमला करती है लेकिन अमेंडा यहाँ पर आ जाती है और सारा यहाँ से भाग कर बेसमेंट में आ जाती है। ल्यूक भी बेसमेंट में आकर यहाँ मौजूद गर्म पानी की पाइप्स को तोड़ देता है जिसकी वजह से गर्म पानी सारा के ऊपर आ जाता है और सारा जल कर यहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद हम ल्यूक और इसकी फ्रेंड एलेक्स को साथ में देखते हैं। ल्यूक इसे आई लव यू कहता है और ये दोनों एक कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगे हैं। तभी एलेक्स के शरीर से वैसे ही टेंटिकल्स निकलते हैं जैसे लिली के शरीर से निकलते थे। इसका मतलब भी एलेक्स भी उन्हीं एलियंस की तरह ही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।